डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर्स रूल। आज हम क्रैमर्स रूल को डिस्कस करेंगे। ये मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके पेपर्स में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है। आपके पेपर्स में क्रैमर्स रूल से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आता है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। यानी इस तरह से आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, आपने उसको बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल जो है वो सॉल्व करना होगा, हल करना होगा। तो आज हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे। सबसे जो पहला स्टेप होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा? सबसे पहले हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। तो हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, ए क्या है? हमारे पास एक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, इसको हम कैसे लिखेंगे? ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 माइनस 2, -2 +3 एंड -2 +3। तो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 -2 -2 3। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, इस पर हमने एक्स वेरिएबल्स के साथ जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं हमने वो लिखनी है। तो एक्स वेरिएबल्स के साथ हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं? +3 -2 +3 -2। तो जो एक्स वेरिएबल वाली वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे मैट्रिक्स में। तो इसी तरह से जो वाई वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ होंगी वो हम मैट्रिक्स में राइट साइड पे लिखेंगे। तो वाई वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हमारे पास कौन सी हैं? -2 एंड +3 -2 एंड +3। तो ये हम मैट्रिक्स ए में हमेशा राइट साइड पे लिखेंगे। ये हमारे पास एक्स वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास वाई वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया? मैट्रिक्स ए। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है क्रैमर्स रूल में वो क्या है? ए एक्स क्या है? ये भी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं। अब ए एक्स मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे कि जो एक्स वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं इनको आपने स्किप कर देना है, यानी इनको आपने भूल जाना है। तो इस एक्स वेरिएबल वाली वैल्यूज़ की जगह, यानी इस तरह आपने क्या लिखना है, जो हमारे पास इक्वेशंस में राइट साइड वाले जो रियल नंबर्स हैं आपने उनको लिखना है। तो राइट साइड पे हमारे पास क्या गिवन है? ऊपर वाली इक्वेशन में 1 और नीचे वाली इक्वेशन में हमारे पास क्या है? 2। तो राइट साइड में मैंने आपसे क्या कहा था कि वाई वेरिएबल वाली वैल्यूज़ आती हैं। तो वाई वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं? -2 एंड +3 -2 एंड +3। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया? ए एक्स। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम ए एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे तो हमने एक्स वालों को क्या कर देना है? स्किप कर देना है, इनको हमने भूल जाना है। एक्स वेरिएबल्स वाली जो वैल्यूज़ हैं इनकी जगह हम क्या लिखेंगे? इन रियल नंबर्स को लिखेंगे जो हमारे पास इन लीनियर इक्वेशंस में राइट साइड पर गिवन है। इसी तरह से मैट्रिक्स में राइट साइड पर हमारे पास वाई वेरिएबल वाली वैल्यूज़ आएंगी, यानी -2 +3। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास ए वाई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको हम कैसे लिखेंगे? अब ए वाई में हम वाई वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ को क्या कर देंगे? इनको हम स्किप कर देंगे, इनको हम भूल जाएंगे। तो एक्स वेरिएबल्स वाली जगह पे तो हम वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो एक्स के साथ होंगी, यानी 3 माइनस 2 3 माइनस 2। इसी तरह से ए वाई में हमने वाई वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ को भूल जाना है। तो अब राइट साइड पे हम क्या लिखेंगे? ये वाले रियल नंबर्स लिखेंगे जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस में राइट साइड पर हैं, यानी कि 1 2। तो क्रैमर्स रूल के हवाले से ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, ये सबसे मेन स्टेप है। इसमें सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए लिखना है, फिर ए एक्स लिखना है एंड देन ए वाई लिखना है। ये कैसे लिखना है आई होप आपको समझ आ गई होगी।
अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो हमने इन तीनों मैट्रिसेस का क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए का क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल लाइंस से, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, देखें डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपसे कहा था हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2 से। डिटरमिनेंट में मिड में हमेशा सेंटर में कौन सा साइन आता है, माइनस का, तो जब दो साइंस आ जाएं हम उनको ब्रैकेट्स के ज़रिए से सेपरेट करते हैं। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 इधर क्या होता है 9, इस वाले -2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, -2 मल्टीप्लाई बाय -2। तो सबसे पहले हम साइंस को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 2 ज़र 4, तो 9 - 4 इज इक्वल टू 5। ये हमने मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास ए एक्स, इसका भी हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका भी डिटरमिनेंट हम सेम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने मैट्रिक्स ए का फाइंड आउट किया था। इसमें भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को हम 2 से। फर्स्ट स्टेप 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से -2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +2 से। डिटरमिनेंट में सेंटर में हमारे पास माइनस का साइन आता है, जब दो साइंस आ जाएँ तो हम उन्हें ब्रैकेट्स के जरिए से सेपरेट करते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 3, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 2 4, 3 + 4 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स विच इज इक्वल टू 7। अब इसी तरह से हम ए वाई का भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू, इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम वैसा ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। डिटरमिनेंट में सेंटर में हमारे पास माइनस का साइन आता है, 3 2 6, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 2 1 2, 6 + 2 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए वाई का डिटरमिनेंट आ गया। मैट्रिक्स ए का भी हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया, इसी तरह से मैट्रिक्स ए एक्स और ए वाई का भी हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्रेमर्स रूल में एक्स जो है वो इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, जबकि क्रेमर्स रूल में जो y होता है वो इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब आप याद रखें कि हमेशा x के साथ डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स आएगा क्रेमर्स रूल में और y के साथ डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई आएगा क्रेमर्स रूल में, और दोनों में जो कॉमन बात है वो क्या है कि दोनों को डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया गया। अब हम जस्ट सिंपली इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7, यहाँ पर हम लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए की हमारे पास वैल्यू क्या है, 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। अब मज़ीद जो है 7 डिवाइड बाई 5 को हम सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट y इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसमें भी हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5, तो 8/5 को भी हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। सो x इज इक्वल टू 7/5 एंड y इज इक्वल टू 8/5।
5. दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि लीनियर इक्वेशंस को बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल हम कैसे सॉल्व करते हैं.